हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे नहीं होते चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट हैं उन सारे कमेंट्स को पढ़ा है मैंने। कुछ दिनों से मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रही, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोग कमेंट करना प्लीज़ बंद मत कीजिएगा। मैं रेगुलर स्टोरी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अभी थोड़ा सा जो है ना लेट हो सकता है, कुछ दिनों तक ये प्रॉब्लम चलेगी, जिसके बाद जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों के साथ डेली वीडियो शेयर करूँगी। ओके, प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके, चलिए फिर हम अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था कि वांग जी ने विंग को खाना खिला दिया है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तब लान वांग जी जा चुका था, तो विंग उस मेंशन में अकेला था, अकेला नहीं कह सकते, जहाँ पे शिचान अपने डॉक्टर के साथ काम कर रही थी। यानी जो है ना शिचान चल नहीं सकते ना, तो डॉक्टर उनकी हमेशा जाँच करते, उन्हें एक्सरसाइज करने में मदद करते हैं, तो शिचान वहाँ पे थे। विंग मेंशन से स्टडी रूम से कुछ किताबें उठाता है, उन किताबों के साथ जो है ना बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद एक पेड़ की छाव में जाके वो बैठ जाता है। गार्ड्स विंग को ऑब्जर्व कर रहे थे, विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और पढ़ते पढ़ते जो है ना विंग सोचना स्टार्ट कर देता है, आखिर क्या उसने कौन सी गलती की थी, उसने मेरे करीबी लोगों के साथ ऐसा किया और वो मुझे यहाँ पर लेके आया। क्या गलती थी मेरी, मुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, हम तो अच्छे दोस्त थे ना, कैसे कैसे ये सब हो गया, ऐसे जो है ना हमारा विंग सोचता है। जिसके बाद जो ना हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग मेंशन में आ चुका था। आने के बाद जो है ना विंग के सामने जो ना कुछ खाने के लिए रखा जाता है, जो स्नैक्स रखे जाते हैं, जहाँ पे विंग उन स्नैक्स की ओर देखता है और कहता है मुझे आज भूख नहीं है। जहाँ पे पीछे से शिचान आते हैं और शिचान कहते हैं विंग क्या हुआ है, क्यों भूख नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है ऐसे ही गह, मैं मुझे भूख नहीं है। जहाँ पे शिचान कहते हैं विंग मुझे पता है मेरा भाई तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा है, बट मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम जानते हो ना। और विंग मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करना चाहता हूँ, बट मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकूँ। जहाँ पे विंग कहता है ग, सिर्फ आप मुझे इतना बता दीजिए वांग जी मुझे यहाँ पे क्यों लाया है, क्यों, मैंने क्या किया है इसके साथ, उसने मेरे करीबी लोगों को हर्ट किया और मुझे पता ही नहीं। जिस टाइम मुझे पता चला उसने मुझे यहाँ पे इस मेंशन में लेके आया, और 6 महीने हो चुके हैं मैं इस मेंशन से बाहर नहीं गया, मुझे घुट घुट के जीना अच्छा नहीं लग रहा है। इससे अच्छा होता कि वो उन लोगों की तरह मुझे भी मार डालता, बट वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वो मेरी गलतियों की सजा दूसरों को दे रहा है, दूसरों को हर्ट कर रहा है, क्यों ग क्यों। जहाँ पे शिचान विंग की ओर देखते और कहते विंग मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी इसमें किसी तरह से मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम जो कुछ भी है ना उसी से जान सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगा कि वांग जी तुम्हें प्यार करता है, विंग तुम्हें पसंद करता है, जब से तुम दोनों जब से कॉलेज में थे ना विंग, तब से वो तुम्हें पसंद करता है। विंग शॉक था, विंग शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे शिचान कहते हैं हाँ विंग वो तुम्हें पसंद करता है, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इंसान आया था जिसने एफर्ट लगाया था वांग जी के साथ दोस्ती करने में, और वांग जी ने तुमसे दोस्ती की, तुम्हारे करीब आया, उसके बाद उसकी फीलिंग तुम्हारे लिए चेंज हुई, शायद तुमने देखा नहीं होगा। हाँ, उसे जानना पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कभी उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, इसके कारण कोई भी उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता है। मैं समझ सकता हूँ, बट मैं उसका भाई हूँ और मैं समझ चुका था, जब वो तुम्हारे क्लोज आता था, तुम्हारे साथ रहता था, तुमसे बात करता था, तो वो कितना ज़्यादा खुश रहता था। मुझे नहीं पता तुमने कैसे नोटिस नहीं किया, तो बट विंग वो तुम्हें पसंद करता है और वो तुम्हें खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता है, और वो इसलिए हमेशा तुम्हारा गुस्सा दूसरे और इंसान पे उतारता है। तो विंग कहता है बट इसमें उन लोगों की क्या गलती रहती है, वो मेरे सामने उन लोगों को कैसे टॉर्चर कर करके मार डालता है, इनके कारण मैं खुद को कितना हर्ट महसूस करता हूँ, मुझे खुद के जीने पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। क्या वो हमेशा ऐसा ही करता रहेगा, क्या मुझे वो यहाँ से जाने नहीं दे सकता हो, मैं यहाँ पे रह रह के परेशान हो चुका हूँ, मैं अपने शीजे से मिलना चाहता हूँ, अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने कैफ़े के बारे में जानना चाहता हूँ, वो कौन संभाल रहा होगा, सारी चीज़ें है ग, मैं सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए 6 महीनों से यहाँ पे रह रहा हूँ, उसे मेरे बारे में कोई चिंता नहीं है, वो खुद का मतलब देख रहा है, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मुझे बता सकता था, हम इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते थे, बट उसने सीधा तो मुझे किडनैप कर लिया है, वो क्या सोच रहा है, मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा गा, क्या करूँ क्या नहीं, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है पूरी तरह से, और वो पहले तो ऐसा कभी नहीं था गा, वो इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो गया, कैसे वो ऐसे कैसे बन गया, प्लीज़ गा मुझे बताइए वो ऐसे कैसे बन गया,
सिर्फ हम 3 साल ही तो दूर थे, हम 3 साल हम दोनों ने बातें नहीं की। बट हे अचानक से कैसे गए, ये सब कैसे हुआ? जहाँ पे शिचन सर को नीचे करते हैं और कहते हैं मैं ये नहीं बता सकता विंग, ये तुम्हें सिर्फ वांग जी ही क्लियर तरीके से बता सकता है। तो विंग कहता है हाँ बता सकता है बट वो मुझे बताएगा नहीं, आप जानते हो ना वो मुझसे कोई बात शेयर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, और मैं उससे बात भी नहीं कर पाता हूँ। मुझे डर लगता है अगर किसी बात का उसे बुरा लगा तो वो सज़ा देगा लोगों को, और मेरी वजह से लोगों को हर्ट होता है तो वो मैं देख नहीं सकता हूँ बिल्कुल भी नहीं। और विंग की आंखों में आंसू थे। जहाँ पे शिशान विंग के पास आते हैं और विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं विंग टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके तहत जहाँ पे विंग कहता है ग 6 महीने हो चुके, कब ठीक होगा, कब मैं यहाँ से जा सकूँगा, मेरी फैमिली है, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है और मुझे अपने वर्कर्स के भी ध्यान रखना है, मुझे कितने सारे काम है। ग वांग जी ये क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसने मुझे यहाँ पे कैद कर दिया है पूरी तरह से, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो इस मेंशन में घूमने की आज़ादी तो देता है बट इस मेंशन से बाहर जाने की आज़ादी नहीं देता है, यानी इस आइलैंड को छोड़ने की आज़ादी नहीं देता है मुझे। मैं क्यों यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, क्यों मैंने ऐसा क्या किया है, मेरी क्या गलती है इसमें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो प्यार करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मुझे कैद करके रखेगा, प्यार है मैं समझ सकता हूँ। हाँ सभी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है बट एक दूसरे के साथ फीलिंग कन्फेस करने के बाद, एक दूसरे के बारे में जानने के बाद, एक दूसरे हम एक दूसरे को चांस देते हैं या नहीं ये होने के बाद हम रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। बट ग इसने तो मुझे सीधा किडनैप ही कर लिया पूरी तरह से और कोई भी बात मुझसे करता नहीं है। मैं उसे कितनी बार पूछ चुका हूँ कब वो मुझे यहाँ से जाने देगा बट कभी आंसर देता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे ऐसे बात करता है जैसे कि हम सालों से एक साथ है, जैसे हम हस्बैंड वाइफ से, वैसे हमेशा वो मेरी टेक केयर करता है, मुझे अच्छा लगता है, सारी चीज़ें अच्छी लगती है बट वो मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे सकता, क्या मुझ पर उसे इतना सा भी भरोसा नहीं है? जहाँ पे शिजान कहते विंग वो तुम्हें जाने नहीं देगा, जब तक कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब तक वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता है। तो विंग कहता है कौन सी प्रॉब्लम ग, मुझे बताइए ना कौन सी प्रॉब्लम है, मैं उसकी सॉल्व करने में मदद करूँगा, बताइए ना ग। जहाँ पे शिशान कहते हैं विंग मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ विंग, सॉरी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है ग आप भी नहीं मदद कर सकते, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने कमरे में आ जाता है, शिचन वहाँ पे बैठे हुए थे व्हील चेयर पर और वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और किसी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कब तक होगा सब ठीक, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे सामने वाला इंसान उन्हें कुछ कहता है, यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके हमारा लान वांग जी दिखाया जाता है जो ऑफिस में बैठा हुआ था और कुछ काम कर रहा था। वांग जी अपने काम करते हुए जो ना अपने सामने जो लोग खड़े थे उन लोगों की ओर देख रहा था और वांग जी स्माइल करते हुए सारे काम को फिनिश करता है और जो है ना उन लोगों की ओर देखता है जहाँ पे वो लोग जो थे ना नीचे पड़े हुए थे, यानी कुत्तों की तरह रेंग रहे थे, और वांग जी उन सभी लोगों की ओर देखता है और वांग जी अपने पॉकेट से गन निकालता है। जहाँ पे वांग जी की सेक्रेटरी उसके साइड में खड़ी थी जो डर चुकी थी अपने बॉस के हाथ में गन देखने के बाद, वो सेक्रेटरी पीछे खसक चुकी थी और वांग जी गन को दिखाते हुए कहता किसने ये गलती की थी मुझे अभी के अभी जानना है, अगर अपने गुनाह को किसी ने कबूल नहीं किया तो सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, याद रखना मैं किसी पे भी रहम दिखाने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे सभी लोग कहते सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, हम आपको बिट्रे नहीं कर सकते, मैं हम लोग आपको धोखा नहीं दे सकते सर। जहाँ पे हमारा वांग जी गन को लोड करते हुए कहता किसने ये सब किया, किसने हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दूसरे कंपनी को देने की हिम्मत की, जल्दी से वो आगे आ जाओ, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, अगर 3 मिनट 3 तक गिनने तक 3 की गिनती तक अगर कोई सामने नहीं आता है तो सब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, ऐसे कहता है। और वांग जी सबकी ओर देखता है और वांग जी कहता है 3 और वांग जी फट से फायर कर देता है और उस इंसान के पैर में जाके गोली लगती है, वो इंसान ज़ोर से चिल्लाता है और सारे लोग डर जाते और सब लोग कहते सर आपने तो पूरी गिनती गिनी ही नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने कहा था मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा तो मैंने गिन लिया, इससे आगे कुछ नहीं। अब
किसी ने आंसर नहीं दिया है, तो सब लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरा निशाना चूक चुका है, ऐसे कहता है। तो सारे लोग जो डर जाते हैं, जहाँ पे उनमें से एक वर्कर सामने आता है और कहता है सर, सर, सर ये मेरे हाथ से गलती हुई है, सर मेरे हाथ से गलती हुई है। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है तुम्हारे हाथ से? कैसे तुम्हारे हाथ से कैसे हुआ? तुम तो इस प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, तुम्हें तो सिर्फ इस फाइल को उन तक पहुँचाना था, तुम्हारे हाथ से कैसे गलती हुई? जहाँ पे वो इंसान कहता है सर मैंने इस फाइल के जो भी प्रिंट थे ना उनकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली थी और वो दूसरी कंपनी को मेल कर दी थी। तो वांग जी कहता है कितने पैसे मिले तुम्हें, कितने मिले? जहाँ पे वो इंसान कहता है सात लाख। जहाँ पे वांग जी हंसते हुए कहता है इतने बड़े प्रोजेक्ट के तुम्हें 7 लाख मिले, मुझे लगा था कि तुमने 1 करोड़ तो लिए ही होगे, बट लगता है कि तुम्हारे सामने 7 करोड़ की गड्डियाँ भी फेंको तो वो तुम कुत्तों की तरह उन्हें चाटना स्टार्ट कर दोगे। इस प्रोजेक्ट की कीमत तुम जानते हो क्या? 500 करोड़ से भी ज़्यादा है। और तुमने इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो सिर्फ 7 लाख में बेच दी। लगता है कि तुम्हें पैसों की कोई वैल्यू नहीं है और इस इंसान इन तुम्हारे जैसे लोगों की वैल्यू मुझे भी नहीं है, ऐसे वांग जी कहता है और अपनी गन को जल्दी से उसके सर में फायर कर देता है और वो इंसान जल्दी से गिर जाता है। और सारे लोग वहाँ पे शॉक थे। और वांग जी कहता है नेक्स्ट टाइम से याद रखना तुम्हारा बॉस सिर्फ बॉस नहीं है, एक माफिया किंग भी है। तो याद रखना कोई भी गलती करने से पहले आज के लिए तो मैं तुम लोगों को माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली है, बट नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तुम लोग बिल्कुल बचने वाले नहीं हो। ऐसे वांग जी एक स्माइल करते हुए कहता है और सारे लोग डर जाते हैं और वांग जी गेट आउट कहता है जोर से, जिसके बाद सारे लोग चले जाते हैं और उस जो जिसके पैर में गोली लगी थी ना उसे लेते हुए कुछ गार्ड्स लेके चले जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी अपनी गन को पॉकेट में रखता है और सेक्रेटरी सामने आती है और कहती है सर हमारी अभी मीटिंग है। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है और वो सेक्रेटरी तो पूरी डर चुकी थी, उसके पैर शेक कर रहे थे अपने बॉस को ऐसे देखने के बाद। जिसके बाद वांग जी बाहर आता है अपने सेक्रेटरी गार्ड्स के साथ चलते हुए ऑफिस से बाहर जा रहे थे, जहाँ पे सारे जो वर्कर्स थे यानी सारा जो स्टाफ था ना वो वांग जी की ओर देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जो चुपचाप सीधी तरह से जा रहा था, कुछ लोग थे वांग जी से डरने वाले और कुछ लोग थे कि ये बहुत ज़्यादा घमंड करता है करके, ऐसे जो सारी चीज़ें जो लोगों के मन के थॉट थे ना वो थे। जहाँ पे वांग जी एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुँचता है जहाँ पे बहुत सारे जो थे ना कंपनियों के लोग थे बैठे हुए। जहाँ पे वांग जी जाता है और वहाँ पे अपनी सीट को ग्रहण करता है यानी अपनी जगह पे जाके बैठता है। जहाँ पे सारे लोग जो थे ना वो बताना स्टार्ट कर देते हैं कि वांग जी ने जो है ना इसी ने जो ना हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करके हमें धोखा दिया है और जो है ना हमारे कंपनी के धीरे धीरे करते हुए वो शेयर खरीदते जा रहा है और इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होते जा रहा है, अभी हमारे पास 40% ही शेयर बचे है, ऐसे लोग कहते जा रहे थे। और सारे इनलीगल और लीगल सारे धंधे जो है ना इसने हमारे काम थे ना वो उसने हमसे छीन लिए, वो सारी जगहों पे अपना ही काम उसने स्टार्ट कर दिया है, तो हमें इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारे कंपनियों में लॉस ही होते जा रहा है, तो प्लीज़ चेयरमैन हमारी मदद कीजिए प्लीज़। सारे जो लोग थे ना वो वांग जी को और इशारा करते हुए चेयरमैन से कह रहे थे। जहाँ पे वांग जी सिर्फ शांत बैठा हुआ था पूरी तरह से, जहाँ पे चेयरमैन कहते हैं मिस्टर लैन अब आपको क्या कहना है? जहाँ पे वांग जी उनकी ओर देखता है, वांग जी कहता है मैंने तो आप लोगों की सभी लोगों की यहाँ पे मैंने मदद की है, मैंने आप लोगों की कंपनी शेयर खरीदने के बाद अगर मैंने आपकी कंपनी में कोई भी लॉस क्रिएट किया है तो आप मुझे बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो सारी चीज़ों के बारे में। मैंने अभी तक तो कोई भी लॉस नहीं किया है और आपकी कंपनी की इतनी भी औकात नहीं है कि उस कंपनी में इतना ज़्यादा फोकस करूँ उसे लॉस डुबाने में। मैं उस कंपनी में कोई इन्वेस्टर नहीं करना चाहता था, बट आप लोगों के फैमिली मेम्बर खुद मेरे पास चल के आए थे। आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए और बाद में मुझे कहिए, क्योंकि आपकी कंपनी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि फिर से वो अपनी ऊंचाइयों तक छू सके, आगे बढ़ सके। मैंने तो आपके कंपनियों के शेयर खरीदने के बाद आप लोगों को भी एहसान किया, अगर वो शेयर किसी गलत हाथों में पड़ जाते ना तो आप लोगों की कंपनियों की जो अभी रेपुटेशन है ना वो कब की गिर चुकी होती। और रही इन लीगल धंधों की बात, कामों की बात, तो वो आप भी करे हो, बट मुझे ज़्यादा मेरे
वर्क को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर आपसे आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बंद कर सकते हो और आप जो चाहे वो काम कर सकते हो। मैंने किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है और मैंने आप लोगों को किसी काम को भी बंद भी नहीं किया है, बट मैं अपने काम को बंद नहीं करने वाला। आप जो चाहे वो कर सकते हो। अगर मेरे सर से ऊपर गया तो मैं आप लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, और ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ। इसे नॉर्मल तरीके से मत लेना। से रामजी कहता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है और चेयरमैन की ओर देखता है और उन्हें ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे सारे लोग चिल्लाते हो कि ये ऐसे कैसे कर सकता है, वो रिसेंटली ही इस बिज़नेस में आया है और उसने हमारी भी जगह ले ली है, हमारे बिज़नेस पे वो अपना हाथ यानी वो अपने हमारे बिज़नेस को हटते आना चाहता है। सारे लोग ऐसे कह रहे थे, जहाँ पे चेयरमैन उसे जाते हुए देख रहे थे सिर्फ। जहाँ पे चेयरमैन कहते हैं, अगर तुम लोग खुद के बिज़नेस को अच्छे से संभाल नहीं सकते तो कौन सा बिज़नेस कर रहे हो। अगर कल का आया हुआ छोकरा, कल का आया हुआ लड़का तुम्हारे बिज़नेस पे इतनी आसानी से अपने हाथ फैला सकता है और तुम्हारे बिज़नेस को इतनी आसानी से अपनी मुट्ठियों में ला सकता है, तो तुम इतने सालों से बिज़नेस कर रहे हो या मजाक कर रहे हो। तुम खुद के बिज़नेस को संभालो और वो जो कर रहा है उसे करने दो। अगर तुम्हें उससे लड़ाई करनी है तो तुम कर सकते हो, बट मैं इसमें कोई सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। और जो मैंने आप लोगों की कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना, वो भी मैं वापस ले सकता हूँ, याद रखना। मैं इतने नॉर्मल तरीके से यहाँ पे इतनी आसानी से यहाँ पे चेयरमैन नहीं बनाऊँ। मुझ में इतनी ताकत है कि तुम सारे लोगों की कंपनियों को मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तुम लोग जानते हो ना, अब तुम्हें जो करना है तो तुम करो, मैं इसमें कोई मदद करने वाला नहीं हूँ, ऐसे चेयरमैन कहता है और टेबल पे हाथ पटकते हुए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें चेयरमैन अभी कोई मदद करने वाले नहीं है, हमें इसका कोई इलाज निकालना होगा करके ऐसे कह रहे थे। हमें वांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना अपनी कार में बैठा हुआ था। तभी जो है ना कुछ टाइम के बाद चेयरमैन आते हैं वांग जी की कार में आके बैठते हैं, जहाँ पे चेयरमैन कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो ठीक नहीं है, सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, मेरे दुश्मन बनाना तो मुझे शौक है, दुश्मन तो मेरे हर टाइम बनते ही रहते हैं, आप इसमें टेंशन मत लीजिए। आप जानते हो ना, अगर आप इन सारी चीज़ों से दूर नहीं रहे तो मैं आपके फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो वो चेयरमैन वांग जी के पैर के पास झुकते हुए था, प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ भी मत करना, प्लीज़ वो मेरी एक लौती बेटी है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं उसी के सहारे जी रहा हूँ, प्लीज़ कुछ भी मत करना। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करते हुए था, ऑफ कोर्स जब तक आप मेरे साथ हो जब तक, तब तक मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बट अगर आपने आपके फैसले को चेंज करने की भी हिम्मत की तो शायद से आपकी बेटी की लाश आपके घर के सामने मैं सजा के भेजूँगा। ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे चेयरमैन डर जाते हैं। जिसके बाद जो है ना हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा वांग जी मेंशन में वापस आ चुका था। वापस आने के बाद जो है ना वो अपने भाई को देखता है, जहाँ पे उसके भाई के सामने जो वेंचिंग बैठी हुई थी, जहाँ पे वेंचिंग जो है ना शीशान के हाथों को चेक कर रही थी और जो है ना प्रोग्रेस के बारे में जो लिखती जा रही थी। जहाँ पे जो है ना हमारा वांग जी देखता है और वेंचिंग के पीछे आते हुए कहता है बताओ क्या प्रोग्रेस हुई। जहाँ पे विंचिंग सारी प्रोग्रेस बता देती है और कहती हाँ आपके भाई चल सकते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं जानता हूँ चल सकते हैं, तो वो कहती हमें कुछ टाइम के लिए इस मेंशन से बाहर जाना होगा, कुछ मुझे न्यू दवाई लानी है। तो वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ऑफकोर्स विंचिंग तुम तो जा सकती हो, बहुत आसानी से जा सकती हो, बट इसके बदले में तुम्हारे भाई को यहाँ पर रहना पड़ेगा। विंचिंग जहाँ पे विंचिंग वांग जी की ओर देखती है। इसके बाद जो है ना विंची कहते मैं तुम्हें दवाई का नाम लिख के दे दूँगी, तुम लाने के लिए कह देना। जहाँ पे वांग जी कहते ओ ठीक है विंची, इतना आसान था, पर तुम तो यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी। विंची कहते नहीं नहीं मैं नहीं कर रही थी कोशिश, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है तुम बता देना। जिसके बाद जो है ना वांग जी अपने कमरे में आता है और जो है ना हमारे विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग वांग जी को कमरे में नज़र नहीं आता है, तो वांग जी जो है ना अपने गार्ड से पूछता है विंग कहाँ है। तो गार्ड्स कहते हैं कि सर पीछे वाले गार्डन में गए हैं करके। तो वांग जी पीछे वाले गार्डन में आता है और वहाँ पे विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे गार्ड साइड में खड़े थे। तो वांग जी उनकी ओर देखता है और विंग कहाँ है वो पूछता है। जहाँ पे गार्ड्स कहते हैं कि सर जो ट्री हाउस में बैठे है करके। तो हमारा वांग जी वहाँ पे ट्री हाउस में चला जाता है और वहाँ पे जाके हमारे विंग को देखने के लिए वो चला जाता है। जब वो वहाँ का गेट ओपन करता है ना, वो
विंग को पूरी तरह से इतनी बुरी हालत में दिखता है। वांग जी पूरा शौक हो जाता है और वांग जी जल्दी से विंग को उठाता है और विंग विंग कहते हुए उसे जल्दी जल्दी से दौड़ते हुए जो ना वेंचिंग में लेके आ जाता है, जहाँ पे वेंचिंग जो थी ना वो वांग जी यानी शिजान का ध्यान रख रही थी। जब वांग जी लेके आता है ना तो वांग जी कहते हैं वेंचिंग जल्दी आओ ऐसे कहते हैं, जहाँ पे वेंचिंग डर जाती है और दौड़ते हुए आती है जहाँ पे वो विंग को देखती है, जहाँ पे विंग ने अपने हाथ में कट लगाए हुए थे। और वांग जी जो है ना विंग को इतनी बुरी हालत में देख के वो डर जाता है, क्योंकि वांग जी ने जब उस दरवाजे को यानी डोर को खोला था ना तो विंग के हाथ से बुरी तरह से उस टाइम पे ब्लड निकल रहा था, दोनों हाथ पे विंग ने कट लगाए हुए थे और पूरी तरह से वो ब्लड से घिना पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ था। और वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग के दोनों हाथ में कट लगा हुआ था, जहाँ पे वेंचिंग जल्दी से कहते हैं कि मेरे रूम में चलो करके, जिसके बाद जो है ना वेंचिंग के जो डॉक्टर का रूम था ना वहाँ पे पहुँचा जाता है, जहाँ पे वेंचिंग जो है ना विंग का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती है। और विंग कहते इसे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है करके वेंचिंग बताती है, और वांग जी कहता है ब्लड का इंतजाम करना होगा, जिसके बाद जो है ना सारे काम जो ने थे ना वांग जी के गार्ड्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और वांग जी सिर्फ जो ना विंग को देख रहा था, जहाँ पे वेंचिंग कैसे विंग के हाथों में स्टिचेस लगवा रही है, कैसे सारी चीज़ें कर रही है वेंचिंग, और वेंचिंग करते हुए कितनी ज़्यादा घबरा रही है, और वांग जी उसे देख रहा है। और वांग जी कहते हैं विंग क्यों 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 किया तुमने ये सब क्यों किया ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी कुछ टाइम के बाद विंग के लिए ब्लड का अरेंजमेंट भी हो जाता है और विंग को ब्लड चढ़ाया जाता है, जहाँ पे वेंचिंग विंग का फुल ट्रीटमेंट करने के बाद जो है ना वो जो है ना वांग जी के साथ विंग को छोड़ के बाहर आ जाती है। और वांग जी विंग के पास आके बैठता है और विंग के हाथों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है विंग क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों हर बार तुम खुद को इतनी बुरी तरह से चोट क्यों पहुँचाते हो, मैं तो सारी खुशियाँ तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ ना विंग, फिर भी तुम खुद को इतने सारे छोटे क्यों पहुँचाते हो, मैं तुम्हें ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता नहीं दे सकता और मैं तुम्हें खुद से दूर भी नहीं जाने दे सकता विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, तुम कब समझोगे विंग कब समझोगे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता ऐसे कहता है। और वांग जी वहीं पर रहता है। तो हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे विंग की धीरे धीरे आँखें खुलती हैं, जहाँ पर विंग जब आँखें खुलता है ना वो सीलिंग की ओर देखता है, उसके बाद जो है ना विंग का हाथ उसे हाथ पे जो ना किसी का हाथ महसूस होता है, तो विंग नीचे की ओर देखता है, वहाँ पे देखता है कि वांग जी विंग के पास ऐसे ही सोया होकर के, तो विंग वांग जी की ओर देखता है और विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो विंग यहाँ से याद करता है कि उसने ये सब कैसे किया करके, जहाँ पे विंग जो है ना उस मेजर से शिजान के साथ बात करने के बाद जो बाहर आ चुका था कुछ बुक्स पढ़ने के लिए, उसके बाद जो है ना विंग अपने विंग उसके बाद जो ट्री हाउस में आ जाता है, ट्री हाउस में आने के बाद वो बुक्स को ही पढ़ रहा था, बट विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे, वो अपने फैमिली को याद कर रहा था, कैसे उसके सामने लोगों को मारा गया वो सारी चीज़ें याद कर रहा था। और विंग ने कहा कि अगर मेरी वजह से बाकी लोग हर्ट होते तो मैं भला क्यों ज़िंदा रहूँ, इसलिए विंग ने जो है ना वहीं से जो ना चाकू था, क्योंकि विंग हमेशा उस ट्री हाउस में आता था कुछ खाने के लिए, कुछ नई नई चीज़ें वहाँ पे रहती थी विंग के लिए अरेंजमेंट की हुई थी वांग जी ने, तो विंग ने वहाँ पे नाइफ देखा और विंग ने अपने हाथों पे कट मार दिया। पहले तो विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, दर्द हुआ, बट विंग ने कहा कि मेरी वजह से इतने सारे लोगों को तकलीफ हुई तो इससे अच्छा होगा ये छोटी सी तकलीफ विंग तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और विंग ने अपने दोनों हाथों पर बुरी तरह से कट कर दिए थे। और विंग वहाँ पर एक घंटा तक ऐसे ही रहा था। विंग के हो जाने के बाद हमारा वांग जी भी होश में आ जाता है, क्योंकि विंग के हाथ थोड़े से मूवमेंट कर रहे थे ना इसके कारण, तो वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो है ना ऊपर की ओर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखता है और कहते हैं विंग तुम ठीक तो हो ना ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग वांग जी की ओर नहीं देखता। उसके बाद जो है ना वांग जी वेंचिंग को बुलाता है, जहाँ पे वेंचिंग आती है और विंग को अच्छे से चेक करती है और वो कहती है ठीक है सब कुछ ऐसे कहते हैं, जिसके बाद जो है ना वांग जी खाना लाने के लिए कहा जाता है, वांग जी जो खाना लाने के लिए कहता है और विंग को कहता है कुछ खा लो, जहाँ पे विंग अपने मुंह को दूसरी ओर कर देता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कुछ खा लो विंग, तो विंग कहता है नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। इसके बाद वांग जी कहते हैं नहीं विंग तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम्हें कुछ खाना चाहिए, जहाँ पे विंग कहता है नहीं मुझे नहीं खाना है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, तुम अपनी मर्जी हर बार क्यों चलाते रहते हो, मुझे नहीं खाना है नहीं खाना है नहीं खाना है समझ गए। जहाँ पे वांग जी विंग की ये सारी बातें सुनने के बाद जो है ना वांग जी कहता है ओके नहीं खाना है ना ठीक है मत खाओ ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी विंग की ओर देखते कहता है इस बार विंग तुमने सच में हद पार कर दी, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता ना विंग तुम जिनके बारे में इतना सोच रहे हो ना मीन्स उन सारे लोगों को मार डालता बुरी तरह से, और
इस बार मैं तुम्हें सब कुछ दिखा के रहूँगा, ऐसे विंग वांगजी कहता है। और विंग, तुम सबसे ज़्यादा जिन्हें प्यार करते हो ना, आज वो हर्ट होने वाले हैं तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया है। विंग वांगजी की ये बातें सुनने के बाद वो शॉक था। क्या? वांगजी कहता है, क्योंकि विंग इस बार तुमने मुझे हर्ट किया है, वो भी बुरी तरह से। आज तुम हर्ट हो गए, वो भी बुरी तरह से, ऐसे वांगजी कहता है। और विंग की और एक डेविल से स्माइल करता है और वांगजी वहाँ से चला जाता है। और विंग डर जाता है, विंग सोचता है वांगजी क्या करेगा, विंग यही सोचता है। और चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं वांगजी क्या करने वाला है, तो विंग को कैसे वो हर्ट करेगा, तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ओके बाय।